हेलो फ्रेंड्स, कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप। और मैं सोया चाप के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी किया है। मैंने प्याज को छोटे छोटे स्लाइस में इसको मैंने कट कर लिया है। इसको हम तलेंगे। और तड़का के लिए मैंने प्याज कट करके रखा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है लहसुन प्याज का, और मैंने 3 टमाटर पेस्ट बना के रखा है। पहले हम सोया चाप को कट कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे और इसको हम कट करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पीस, एक पीस में 3 से 4 पीस करना है। और उसके बाद इसको तेल में रोस्ट कर लेंगे। सारे को ऐसे ही कट कर लेना है, ऐसे ही सारा कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा कट कर लिया है। और मैंने गीली मंगवाया था, और आप सूखी भी मंगवा के और उसको गर्म पानी में डाल के और उसको फिर से कट कर लेना। अब मैं इसको तलती हूँ। पहले प्याज को फ्राई करके रखूँगी, उसके बाद इसको तेल में फ्राई करूँगी। सो फ्रेंड्स, फ्राई करने जा रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज को रख डालेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करके निकाल लेना है और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसको ब्राउन करने में 3 से 4 मिनट लगेगा और इसको हम ब्राउन होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्याज एकदम अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट्स में। इसको ब्राउन करने में 4 से 5 मिनट लगा है और इसको हम अब प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सोया चाप को फ्राई करेंगे। इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर करेंगे, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको ऐसे चलाते रहेंगे, अच्छे से ब्राउन दिखने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन हो गया है अंदर का, और इसको हम निकाल लेते हैं, दूसरा डालते हैं। ऐसे ही सारे फ्राई करके निकालना है। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैं दूसरी बार डालने जा रही हूँ इसमें। इसको भी ऐसे ही फ्राई करना है, ब्राउन होने तक इसको वेट करेंगे, धीमी आंच पे फ्राई करेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे तल के निकाल लिया है, सारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मसाला बनाएंगे, इसको ग्रेवी को बना के और इसको सॉक करने के लिए रखेंगे। मैंने इसमें 1 पाव दही डाला है वो करने सॉक होने के लिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, छोटे चम्मच से। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है, और लाल मिर्च आप डाल देना, हम लोग नहीं खाते इसलिए नहीं डाला है। मैंने एक चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाला है। और इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे साइड में। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट हो जाएगा जब तक हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। तेल गर्म हो गया है और मैंने कुछ खड़े मसाले ले रखा है। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें 3 पत्ते डाला है, 3 से 4 पीस। और मैंने थोड़ा दालचीनी डाला है 2 पीस, बड़ी इलायची डालना है डाल देना, और मैंने छोटी इलायची डाला है
3 से 4 मैंने लौंग डाला है, ये सब ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, मैंने चॉप करके प्याज रखा था दो, इसको अब हम इसमें डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 से 1.5 चम्मच रखा है, इसको डाल देंगे इसमें हम, और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम प्याज और मसाला ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने 3 टमाटर को पेस्ट बना के रखा है, इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज एकदम ब्राउन हो गई है, मसाला अच्छे से बन गया है, और इसमें मैंने 2 से 3 मिर्ची डाली है अच्छे से। थोड़ा इस टाइम पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं भी आता है इसमें हम टमाटर जो पीस के रखा था, मैंने 3 टमाटर मैंने पीसा था, मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसमें अब हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मैंने, आधा से कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और सब्जी वाला किचन किंग मसाला मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाला है, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। किचन किंग मसाला डालेंगे तो गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालना है इसमें। और इसको अब हम अच्छे से, जब तक इसमें से तेल निकलने न लगे, इसे हम भूनते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। ये प्याज को मैंने जो ब्राउन करके रखा था फ्रेंड्स, इसको अब हम मिक्सी की जार में डाल लिया है, और इसको हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें जो भुनी हुई प्याज है, और इसमें हम थोड़ा सा 5 से 6 मैंने काजू रखा है, और मैंने इसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भुनी हुई प्याज रखा था, और काजू का मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये मसाला जो हमने इसमें चढ़ाया था, ये एकदम अच्छे से पक गया है, इसमें तेल दिखने लगा है। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, और इसमें हम इसको डाल देंगे, उसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। डाल के उसको भी अच्छे से इसी में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। आपको जितना गाढ़ा और पतला चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें ग्रेवी बना लेना, मेरे को थोड़ा थिक चाहिए तो मैंने थोड़ा कम डाला है। देखिए मैंने इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है, और इसको उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे जो मैंने सोया चाप को मिक्स करके रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी अच्छे से उबाल आ गई है, और इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। अब इसमें हमने जो मैंने ये सोया चाप को मैंने मिक्स करके मसाले में रखा था, अब इसको हम उसी में डाल देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी में डाल दिया है चाप को, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, उसके बाद इसमें धनिया डाल के और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो गया है, और ये एकदम से रेडी हो गया है। अब इसमें हम धनिया गार्निश करके गैस, मैंने 2 से 3 चम्मच धनिया काटी थी और मैंने इसमें डाल दिया है।
और हम गैस को ऑफ करके आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटा चम्मच से मैंने आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में और इसको आप रोटी, चपाती, पराठे किसी के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।